नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। हाय, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सलमान खान जोधपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं और आज इनकी सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को फैसले के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। 18 जनवरी को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज सलमान खान को सजा होगी या फिर वो बरी हो जाएंगे, इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सलमान खान पर ये जो धाराएं लगाई गई हैं, ये जो केस है, आखिरकार ये है क्या। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा था। इसमें सलमान खान के खिलाफ 4 केस दर्ज हुए थे। एक केस कंकाड़ी में शिकार में अवैध हथियार के इस्तेमाल का भी था, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत केस चल रहा था। 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कंकाड़ी में 2 काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा था। आरोप है कि शिकार के इस्तेमाल के लिए पिस्टल और राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था, इसे रिन्यू नहीं कराया गया था। 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की 2 धाराओं 3/25 और 3/27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ। सलमान खान के खिलाफ अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 325 और 327 में मामला दर्ज किया गया था। धारा 325 के अनुसार वैध लाइसेंस के बगैर हथियार रखना, ये हथियार अवैध माने जाते हैं और धारा के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 327 के तहत अवैध तरीके से हथियार को रखने के साथ उनका दुरुपयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि ऐसे में सलमान खान को तुरंत जेल जाना पड़ सकता है और यदि उन्हें 3 साल की सजा होती है तो फिर उनके पास थोड़ा बहुत समय होगा ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील करे और जमानत हासिल करने का प्रयास करे। लेकिन अगर सलमान खान को 7 साल की सजा हो जाती है तो फिर उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ेगा। हालांकि सलमान खान का जेल जाना कुछ नया नहीं है। इससे पहले हिट एंड रन केस में भी उनको सजा सुनाई गई थी और सजा सुनाने के बाद उन्हें जेल भी भेजा गया था, लेकिन सलमान खान को शाम होने से पहले ही जमानत मिल गई थी। अब देखना यह होगा कि जोधपुर अदालत सलमान खान को बरी करती है या फिर सजा सुनाती है, और यदि वो सजा सुनाती है तो कितनी बड़ी सजा सलमान खान के लिए तय की गई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।